नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पौड़ी पुलिस की ओर से शहर के बुआखाल के समीप अवैध लीसा की तस्करी कर 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संचार अनूप कला ने बताया कि पौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति व्यवस्था चेकिंग ड्यूटी के दौरान पाबो से बुआखाल पौड़ी की ओर आ रहे अवैध लीसा से भरे 3 ट्रकों को चेक किया गया, तो सभी ट्रकों में अवैध लीसे के कुल 2003 जो कंटेनर्स थे वो भरे हुए थे, जिसे वाहन चालक ऋषिकेश लाए रहे थे। और पूछताछ के दौरान उन्होंने लीसा भरा होने के संबंध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिस संबंध में 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली पौड़ी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये 3 गाड़ियाँ ट्रक थे, पाबो से गुआहा की तरफ आ रहे थे, तो चेकिंग किया गया तो उसमें लीसा पाया गया। तो इनसे चालकों से पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उनके द्वारा बताया कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका मतलब अवैध होना पाया गया। तो उसके बाद इनके खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बाकी इनके पास से 2.5 लाख के लगभग नकदी भी बरामद हुई है। ये 3 ट्रकों में बरामद हुआ है और इसमें लगभग 2003 कनस्तर, जिनका मार्केट वैल्यू लगभग आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ होना बताया गया। बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने शिव भक्तों की बाइक में टक्कर मार दी। भीषण टक्कर में 3 शिव भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। एक शिव भक्त का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। तीनों शिव भक्तों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें मेरठ रेफर किया गया है। तीनों शिव भक्त मेरठ से डाक कावड़ लेकर हरिद्वार की ओर जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार है। थाना मंडावर के चंदक रोड का यह पूरा मामला। कन्नौज के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण कन्नौज के ठटिया क्षेत्र में शोक संवेदनाओं को व्यक्त करेंगे। भाजपा कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण समिति की बैठक भी करेंगे। कन्नौज के विकास भवन में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आलू मंडी निर्माण कार्य की भी समीक्षा बैठक करेंगे। कन्नौज में बनी FFDC का निरीक्षण करेंगे। कन्नौज कार्यालय पर टीम के साथ देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। अमेठी जिले के संग्रामपुर विकासखंड के गोरखपुर गौशाला का एक पूरा मामला है, जहां गौशाला के निर्माण के बाद से लगातार गौशाला की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही, जिससे आए दिन उचित खान पान की व्यवस्था न होने और देखभाल के अभाव में गौशाला में मौजूदा गौवंश और गाय दम तोड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गौशाला में एक ही शेड से बहुत गौशाला में मौजूद गौवंश और गाय खुले आसमान के नीचे बरसात, ठंड और गर्मी झेल रही है। गौशाला में कुछ पशुओं को बांध कर रखा गया है तो कुछ को छुट्टा छोड़ दिया गया है, तो मरने वाले पशुओं की संख्या को पूर्ण करने के लिए कई पशुओं की टैगिंग भी नहीं हुई है। यूपी के मैनपुरी में अपनी पत्नी के साथ दारोगा की अय्याशी से परेशान युवक अपने 3 मासूम बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। इसी दौरान उस पर मीडिया की नजर पड़ी तो बेचारा पीड़ित फफक कर रोने लगा। उसकी कहानी सुनकर वो कहावत याद आई कि सैया हुए कोतवाल तो हमें डर काहे का। हाथरस सड़क दुर्घटना में 6 कांवड़ियों की मौत का एक पूरा मामला है। जिलाधिकारी ने सभी मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना के बाद फरार ट्रक डंपर मालिक को हाथरस पुलिस ने ट्रेस किया है। फरार ट्रक की बरामदगी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया जाएगा। डंपर भी बरामद होगा। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के बढ़ार चौराहे का एक पूरा मामला। कन्नौज पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी आलोक कुमार के नेतृत्व पर सरायमीरा चौकी के तेज तर्रार प्रभारी अवनीश कुमार ने बस स्टॉप तहसील के पास और बाईपास के आसपास सड़क पर शराब पीकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। सड़क पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। सरायमीरा चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार ने दलबल के साथ शराब पीने वालों को खदेड़ा है।
मैनपुरी में नसबंदी के दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई। कुरावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तबियत बिगड़ी तो उसे सीधे सेफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत हुई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर पीपी सिंह चिकित्सकों की टीम लेकर सेफई पहुंच गए हैं। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी के पानी की तेज धार में टाइगर फंस गया। बीचमझ धार में फंसे टाइगर का वीडियो 2 घंटे तक ड्रोन कैमरे से टाइगर की निगरानी होती रही। वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। टाइगर को बचाने के लिए बैराज का एक फाटक बंद कराया गया। पानी का बहाव कम होने पर जंगल की तरफ टाइगर चला गया। वन विभाग ने राहत की सांस ली है। बहराइच लखीमपुर सीमा पर स्थित गिराजीपुर बैराज का ये वीडियो बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए योगी सरकार संकल्पित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पर्यटन और कल्चर परिषद का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, बनारस और विश्व पर्यटन नगरी आगरा में पर्यटकों को रिझाने के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके साथ ही मथुरा, वृंदावन में क्रू के माध्यम से भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कहना था उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह का। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।